नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जिस इन्वर्टर के बारे में बताने जा रहे हैं ये बाकी इन्वर्टर से पूरी तरीके से अलग है, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये इन्वर्टर जैसा बिल्कुल दिखता भी नहीं है। अब आखिरकार इस इन्वर्टर में बाकी इन्वर्टर से अलग क्या है वो हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। अब दोस्तों, इस इन्वर्टर को देखने के बाद में आप सभी के मन में अगला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिरकार ये इन्वर्टर इतना बड़ा कैसे है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ल्यूमिनस कंपनी है इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही इस नए जनरेशन के इन्वर्टर को लॉन्च किया है। यह जो इन्वर्टर है यह इसके लुक और फीचर दोनों का एक जबरदस्त पैकेज है। ल्यूमिनस ने इस आइकन इन्वर्टर का लुक बढ़ाने के लिए बैटरी का सेक्शन इस इन्वर्टर के अंदर ही दे रखा है। मतलब कि जिस बैटरी को आप हमेशा अपने इन्वर्टर के पास में रखा करते थे उस बैटरी को आप इस इन्वर्टर के अंदर ही रख पाओ। यह व्हाइट प्रीमियम कलर का कैबिनेट है। कैबिनेट की प्लास्टिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें साइड पैनल में ब्लैक कलर यूज करा है जिसकी मदद से इस इन्वर्टर का लुक काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। ओवरऑल यह जो इन्वर्टर है इसे आप अपने घर में किसी भी प्लेस पर रख सकते हैं और आगे से आप अपने इन्वर्टर को छुपाने के बजाय इसे लोगों को और दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर को प्रैक्टिकली देख लेते हैं और साथ ही साथ इस इन्वर्टर के बाकी क्या फीचर्स है उससे भी हम जान लेंगे। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए अभी हम ल्यूमिनस की एक LM1875 बैटरी को लेके आए हैं। अभी हम हमारी इस बैटरी को इस इन्वर्टर के बैटरी सेक्शन के अंदर डालेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने हमारी इस बैटरी को इन्वर्टर के अंदर डाल दिया है। अब हम हमारी इस बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं, मतलब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब कनेक्शन के लिए हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमको इन्वर्टर से पहले से ही दो वायर मिल जाते हैं जो कि अंदर इंटरनली पहले से ही कनेक्ट है, जिसके अंदर हमको एक रेड वायर मिलता है जिसे हमें बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है और हमको एक ब्लैक वायर मिलता है जिसे हमें हमारी इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम हमारी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ लेते हैं और इसके साथ में हम हमारी इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, यह जो मैंने अभी आपको कनेक्शन करके दिखाया है ये आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिशियन से करवा सकते हैं। अब कनेक्शन पूरे होने के बाद में दोस्तों हम हमारे इस इन्वर्टर के कवर को वापस से इस इन्वर्टर पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए यह इन्वर्टर कितना अच्छा लुक दे रहा है। ना तो हमें कोई हमारी बैटरी इसके पास रखनी है, ना ही हमें हमारे कोई वायर लूज कनेक्शन इसमें दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के नीचे हैवी टायर को लगाया गया है जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को आसानी से कहीं पर भी दूसरे रूम में या किसी भी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हो। अभी दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों के मन में एक सवाल यह आ रहा होगा कि आखिरकार जो यह इन्वर्टर है यह साइन वेव है या फिर स्क्वायर वेव है। तो मैं आपको बता दूं कि ल्यूमिनस का यह जो आइकन 1100 इन्वर्टर है यह हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। मतलब कि आपको इतने अच्छे लुक के साथ में एक बेस्ट क्वालिटी का इन्वर्टर मिल रहा है। साथ ही दोस्तों, अगर हम हमारी बैटरी सपोर्ट की बात करें तो यह इन्वर्टर हमारे 150 AH से लेकर 220 AH की सभी टॉल ट्यूबुलर बैटरी को सपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और खास बात इस इन्वर्टर की यह है कि यह हमारे घर में सिर्फ 90 वोल्ट आने पर ही हमारी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और यह फुल्ली चार्जिंग करंट से चार्ज करता है जिससे हमारी बैटरी काफी जल्दी चार्ज होती है। मतलब कि अगर कहीं पर लो वोल्टेज की समस्या भी होती है तो यह आइकन इन्वर्टर उसे आसानी से हैंडल कर लेगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने हमारे इस इन्वर्टर के लुक्स और इसके फीचर्स की बात कर ली है। इसके बाद में अगर हम हमारे इस इन्वर्टर को स्टार्ट करके देखें तो आपको यहाँ पे फ्रंट में LED लाइट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यह जो इंडिकेशन पैनल है यह आपको इस इन्वर्टर के सभी स्टेटस और साथ साथ बाकी सभी जरूरी कंडीशन के अपडेट देता रहेगा। जैसे कि अगर हमारी इस बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट होता है, अगर बैटरी लो होती है, अगर या फिर ओवरलोड होता है तो उस समय आपको यहाँ पर रेड कलर की LED लाइट देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों, इसके बाद में हम हमारी बैटरी में वाटर फिल करने के प्रोसेस को भी देख लेते हैं। मतलब कि अगर आपकी बैटरी इस इन्वर्टर के अंदर लग रही है तो उस समय आप कैसे इस बैटरी के अंदर वाटर को फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बैटरी में वाटर फिल करने के लिए सबसे पहले हम हमारे इन्वर्टर के ऊपर के कवर को ओपन कर लेते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से आपके बैटरी के वाटर लेवल इंडिकेटर को देख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारी इस बैटरी के अंदर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इन सभी के अंदर वाटर हमारा अच्छे से भरा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है यह पॉइंट हमारा ऊपर तक आ रहा है, जबकि हमारा जो ये वाला सेल है जो सेकंड नंबर का सेल है इसके अंदर आपको पानी कम देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अब हम हमारी इस बैटरी के अंदर प्योर डिस्टिल वाटर को फिल करते हैं। तो अभी हमने यहाँ से ढक्कन को ओपन कर लिया है और इसके बाद में हमने हमारे फनल को डाल दिया है और यहाँ से हम हमारा डिस्टिल वाटर को फिल कर रहे हैं। और अभी आपको देखने को दिख रहा होगा कि हमारा जो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है।
तो अभी हम इसमें और डिस्टिल वाटर को थोड़ा फिल करेंगे, और जब हमारा ये इंडिकेटर ग्रीन पे आ जाता है तब हम इसमें डिस्टिल वाटर फिल करना बंद कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इस सेल के अंदर भी वाटर कंप्लीट भर चुका है। तो दोस्तों अभी हमने हमारी इस बैटरी में डिस्टिल वाटर को फिल कर दिया है, अब हमारे वापस से हम इस इन्वर्टर के टॉप फ्लैप को वापस से लगा देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों देखा आपने इस नए जनरेशन के इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है उसके अंदर पानी को फिल करना, उसके अंदर डिस्टिल वाटर को फिल करना कितना ज़्यादा आसान है। ना ही आपको कोई ट्रॉली को आगे पीछे करने की झंझट है, ना ही कोई एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट है बैटरी के टर्मिनल के साथ होने की टेंशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ और काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो दोस्तों अब आखिरी के अंदर हम हमारे इस आइकन 1100 इन्वर्टर से मेन सप्लाई को हटाकर इसे हमारे बैटरी के से जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पर इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की बात करें तो यह जो इन्वर्टर है यह हमारा 900 VA का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, मतलब कि इसके ऊपर आप 756 वाट तक के लोड को चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने हमारी मेन सप्लाई को बंद करके सिस्टम को इन्वर्टर से जोड़ दिया है, इसका अपडेट भी आपको इस LED पैनल में देखने को मिल गया है। पहले आपको यहाँ पर मेंस ऑन पे ग्रीन लाइट देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी आपको सिस्टम ऑन के सामने ग्रीन लाइट देखने को मिल रही है, मतलब कि हमारा जो भी लोड है वह लोड अब हमारे इस ल्यूमिनस के सिस्टम पे से चल रहा है। उम्मीद है कि इस ल्यूमिनस आइकन 1100 इन्वर्टर से जुड़ी सभी जरूरी मुख्य जानकारी मैंने अच्छे से आपको दी होगी। अगर अभी भी आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर से जुड़े हुए सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।